हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल लक्ष्मीज किचन में। आज मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ स्वीट कॉर्न की हेल्दी एंड टेस्टी सूप रेसिपी। सूप की बहुत सारी वैरायटी आपने देखी होगी और ट्राई की होगी, बट ये कॉर्न की इस तरह से आप सूप बनाएंगे तो बहुत ही टेस्टी और हेल्दी बनती है। कॉर्न की बहुत सारी रेसिपीज आपने ट्राई की होगी, जैसे भुना हुआ भुट्टा आपने खाया होगा, या चाट बना के खाई होगी, या मसाला कॉर्न बनाया होगा। बट अभी बारिश का मौसम है तो हेल्दी सूप मिल जाए तो बहुत ही अच्छा है, और गर्मा गर्म मिले तो बहुत ही अच्छा है। लॉकडाउन में इस तरह की रेसिपी बहुत ही काम आती है। कॉर्न का सीज़न है तो ताज़े और फ्रेश कॉर्न मिल जाते हैं मार्केट में इजीली, तो क्यों ना हम हेल्दी सा सूप बनाएं और ट्राई करें। इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। तो रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। मैंने यहाँ पर एक गिलास पानी बॉयल करने रखा है। इसमें मैं दो टमाटो को ऐसे थोड़ा सा कट लगा के बॉयल करूँगी। इस कॉर्न सूप की रेसिपी में मैंने दो टमाटो यूज़ किए हैं। टमाटो से थोड़ा सूप अच्छा लगता है, खट्टा लगता है। और दो मैंने हरी मिर्च ली है। सूप को हमें ज़्यादा तीखा नहीं बनाना है, इसलिए मैंने सिर्फ दो हरी मिर्च ली है, बाकी मैं बाद में काली मिर्च पाउडर यूज़ करूँगी। 5 से 10 मिनट हमें बॉईल कर लेना है, जब तक इसके छिलके छूट ना जाए। 10 मिनट बाद देख सकते हैं टोमेटो हमारे अच्छे से बॉईल हो गए हैं, इन्होंने इनकी स्किन छोड़ दी है। हमें ज़्यादा टोमेटो को पकाना नहीं है, बस थोड़ी सी स्किन निकलने तक हमें इन्हें बॉईल कर लेना है। अगर आपको कॉर्न के साथ टोमेटो पसंद नहीं है तो आप इसको स्किप कर सकते हैं, बट मैं सजेस्ट करूँगी कि टोमेटो आप ज़रूर यूज़ करें, चाहे एक या दो यूज़ करें, बट टोमेटो ज़रूर यूज़ करें, इससे थोड़ा सा टेस्ट अच्छा आता है। टोमेटो यहाँ पे अच्छे से बॉईल हो गए हैं, तो मैं गैस फ्लेम बंद करूँगी और इसे अच्छे से ठंडा होने देना है। तो ये बढ़ते हमारे नेक्स्ट प्रोसेस पे। मैंने यहाँ पे एक मिक्सर जार लिया है और यहाँ पे मैंने एक बाउल तक कॉर्न्स लिए हैं। ये फ्रेश कॉर्न्स है, मैंने इसे बॉईल नहीं किया है, ऐसे कच्चे ही है। अब जो टमाटर और मिर्च मैंने बॉईल की थी, टमाटर के छिलके मैंने निकाल लिए है, अब इसे डाल देना है। साथ में हम लोग थोड़ा सा पानी डालेंगे और इसको अच्छे से ग्राइंड कर लेना है, एक फाइन पेस्ट या प्यूरी जैसा बना लेना है। इस तरह से सारे इंग्रेडिएंट्स मैंने मिक्सर में ग्राइंड कर लिए हैं। आप देख सकते हैं इस तरह से हमें पेस्ट बना लेना है, प्यूरी बना लेना है। आप चाहे तो इसे छन्नी से छान सकते हैं, जो भी वेस्ट रहेगा आप उसे फेंक सकते हैं, बट मैं यहाँ पर उसका भी इस्तेमाल करूँगी। इसे छन्नी से मैं छानूँगी नहीं, क्योंकि जो भी छिलके रहते हैं इसमें फाइबर रहता है। तो आइए बढ़ते हमारे आगे के प्रोसेस पे। मैंने यहाँ पे कढ़ाई गरम करने रखी है, उसमें मैं 2 चम्मच तेल डालूंगी। ये छोटे चम्मच जो टीस्पून होते हैं अपने, उसे मैं तेल डालूंगी। तेल हमें कम ही डालना है क्योंकि सूप बना रहा है, तो सूप में तेल कम ही डालें। अब मैं यहाँ पे 1 चम्मच बारीक कटा हुआ लहसुन डालूंगी। लहसुन को मैंने एकदम फाइनली चॉप किया है। लहसुन को 1 मिनट तक हम लोग फ्राई करेंगे, जब तक इसे अच्छे से खुशबू ना आने लगे तब तक हमें फ्राई कर लेना है। लहसुन हमारा यहाँ पे फ्राई हो गया है। मैंने यहाँ पे एक छोटा बारीक कटा हुआ गाजर लिया है, उसे भी अच्छे से चॉप करके लिया है। साथ में मैंने यहाँ पे थोड़ी सी बीन्स ली है, उसे भी अच्छे से बारीक चॉप करके लिया है। वेजिटेबल्स आप अपनी पसंद के हिसाब से, आपको जो वेजिटेबल पसंद है वो आप ले सकते हैं, बट मैंने यहाँ पर गाजर और सिर्फ बीन्स लिए है। 1 मिनट तक इसे अच्छे से सॉटे कर लेते हैं। इसे ज़्यादा हमें फ्राई नहीं करना है और ज़्यादा पकाना नहीं है। सूप में सब्ज़ियाँ थोड़ी कच्ची रहे तो अच्छी लगती है, थोड़ी क्रंची लगती है। अब इसमें हम लोगों ने जो प्यूरी बना ली है कॉर्न्स की, वो डालेंगे। अब इसमें हमें पानी की क्वांटिटी एडजस्ट करनी है। आपको जितनी सूप की क्वांटिटी चाहिए उसके हिसाब से आप पानी एडजस्ट करें अपने अंदाज से। अच्छे से सारे इंग्रेडिएंट्स मिक्स कर लेते हैं। अभी बारिश का मौसम चल रहा है तो इस तरह की रेसिपीज़ और सूप की रेसिपीज़ बहुत अच्छी लगती है, और शाम के समय में तो ये गर्मा गर्म सूप मिल जाए तो बहुत ही अच्छा है। अब इसे हमें कवर कर लेना है और हाई फ्लेम पे बॉईल कर लेना है। आइए चेक करते हैं। आप देख सकते हैं सूप हमारा बॉईल हो गया है। अभी से बहुत ही अच्छा दिख रहा है, बहुत ही टेम्पटिंग दिख रहा है, कलर भी बहुत ही प्यारा आया है। सूप अच्छे से बॉईल हो गया है। अब इसमें हम लोग बाकी के इंग्रेडिएंट्स डालेंगे। थोड़े से कॉर्न मैंने बचा के रखे थे, वो डालेंगे। ऊपर से ऐसे कॉर्न्स डालेंगे तो बहुत ही अच्छा लगता है, और जब हम लोग सूप पीते हैं तो कॉर्न्स के बाइट बहुत ही अच्छे लगते हैं। नमक स्वाद के अनुसार डालेंगे। अब मैंने यहाँ पे 1 टीस्पून वाइट विनेगर लिया है, विनेगर डालेंगे। विनेगर से टेस्ट थोड़ा अच्छा आता है और सूप हमारा ब्लैंड नहीं लगेगा। अब मैं यहाँ पर थोड़ी सी ब्लैक पेपर डाल देती हूँ, यानी कि काली मिर्च। 2 मैंने हरी मिर्च पहले यूज़ की है, जो इन्ग्रीडियंट्स के साथ मैंने पीसी थी, तो उसके हिसाब से हम काली मिर्च यहाँ पे यूज़ करें। अभी फ्लेवर के लिए मैं यहाँ पे थोड़ा सा ऑरेगानो भी डाल देती हूँ। ऑरेगानो से बहुत ही फ्रेश और अच्छा फ्लेवर आता है, और थोड़ा इटालियन फ्लेवर भी आता है, और उसकी खुशबू भी बहुत ही बढ़िया आती है। अच्छे से मिक्स कर लेते हैं।
अभी से इस सूप की बहुत ही बढ़िया खुशबू आ रही है और दिखने में बहुत ही बढ़िया लग रहा है, साथ में साथ तो ये हेल्दी भी है। अगर आपको सूप थोड़ा सा गाढ़ा बनाना है तो आप इसमें कॉर्नफ्लोर डाल सकते हैं। मैंने भी यहाँ पे 1 टीस्पून कॉर्नफ्लोर का घोल बना लिया है, उसे डालेंगे। कॉर्नफ्लोर डालने से सूप में थोड़ा सा थिकनेस आता है और सूप हमारा थोड़ा सा शाइनी बनता है। अगर आपको कॉर्नफ्लोर नहीं यूज़ करना है तो आप सूप को ऐसे भी पी सकते हैं, इसे ऐसे ही टेस्ट है। कॉर्नफ्लोर डालने से थोड़ा सा सूप हमारा गाढ़ा होते जाएगा। अब इसे 5 मिनट के लिए अच्छे से बॉईल कर लेना है, हमें ज़्यादा सूप को बॉईल नहीं करना है। अब मैं यहाँ पे 1/2 टीस्पून शुगर डालूंगी। शुगर ये ऑप्शनल है, आपको अगर नहीं पसंद है तो आप ना डालें, बट थोड़ा सा स्वीट सा टेस्ट आता है इसलिए मैंने यहाँ पे शुगर यूज़ की है। तो सूप हमारा यहाँ पे अच्छे से बॉईल हो गया है, इसे हमें ज़्यादा नहीं पकाना है और ज़्यादा बॉईल भी नहीं करना है। एकदम परफेक्ट कंसिस्टेंसी और परफेक्ट थिकनेस यहाँ पे हो गई है। हम लोग इसे जितना ज़्यादा बॉईल करेंगे उतना ये गाढ़ा बनते जाएगा, और जैसे ही ठंडा होते जाएगा वैसे ही गाढ़ा होते जाता है। तो हमें इससे ज़्यादा और पकाना नहीं है, गैस फ्लेम बंद कर देते हैं। तो यहाँ पे हमारा स्वीट कॉर्न का हेल्दी और टेस्टी सूप रेडी है। आप इसे गर्मा गर्म सर्व करें और एंजॉय करें। आप इस सूप को मॉर्निंग या इवनिंग में भी बना सकते हैं। मैं प्रेफर करूँगी कि आप इवनिंग में बनाएं, तो आप बाकी की तली भुनी चीज़ों से बच सकते हैं और मॉर्निंग में इस तले भुने नाश्ते से बच सकते हैं और ये हेल्दी सूप एंजॉय कर सकते हैं। अभी लॉकडाउन है और साथ में साथ बारिश का मौसम है, तो हेल्दी चीज़ें खाना बहुत ही बढ़िया है अपने सेहत के लिए। तो इस तरह की सूप रेसिपी आप बनाया करें और हेल्दी हेल्दी चीज़ें खाया करें। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, शेयर करें और साथ में अच्छे से कमेंट करें। मेरे चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन प्रेस करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।